शाहदरा चौक की तरफ जाने वाली, लाहौर से शाहदरा चौक यानी के इमामिया कलोनी शकरगढ़ नारोवाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को यहाँ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है यशफीन कॉलेज के सामने। ये लाहौर से रावी का पुल क्रॉस करके जब गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से ट्रैफिक सारी डाइवर्ट कर दी है, आगे ट्रैफिक नहीं जा रही। लेकिन यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है बड़ी गाड़ियों को, कोई भी गाड़ी, रिक्शा गाड़ी, बाइक, बाइक्स जा रही हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ से डाइवर्ट हो गई हैं किस तरफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से होती हुई ये बेगमकोट चौक में जाएंगी, तो आगे ट्रैफिक नहीं आ रही। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप मत गुजरिए। सारी ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो रही है लेफ्ट साइड सोशल सिक्योरिटी की तरफ, ये जो बारादरी रोड है यहाँ पे आगे मुकम्मल तौर पे शाहदरा चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। उसके रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे जहाँ से रोड टूट फूट का शिकार है, जगह जगह से रोड टूटी हुई है, वहाँ से इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो एक दूसरी वजह यह है कि मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स के पास वहाँ भी काम शुरू हो चुका है रोड के ऊपर। चले मैं आपको वहां भी लेके चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। शाहदरा फ्लाई ओवर अपडेट्स 29 अप्रैल, और ये कब तक ये बंद रहता है कोई आइडिया नहीं है। अपडेट आपको देता रहूंगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल मलिक सर एसवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी फर्दर अपडेट आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये मेट्रो स्टेशन की स्टेयर के पास यहाँ पे मशीनरी आ चुकी है काम करते करते, अब यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया है, इस वजह से सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। यहाँ से अगर बेगमकोट चौक की तरफ जाना है तो लेफ्ट ले लें, अगर आपने सामने स्ट्रेट जाना है मरीद के रोड पे तो आप यहाँ से टर्न लें, रास्ता जो मरीद के की तरफ निकल रहा है वो यहाँ से आप उतरें। आपको आइडिया, आपको अपडेट मैं दे रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपडेट आपको मिल रही है इसी चैनल मलिक सर रजवी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्दर अपडेट्स और वीडियोस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं और करता रहूँगा। ये रास्ता जो मैंने लिया है ये अब जा रहा है सीधा मरीज के की तरफ।